नमस्कार, मैं दिव्या, स्वागत है आपका बिहारी न्यूज पर। चलिए जानते हैं देश और प्रदेश की फटाफट 30 खबरें। अमेरिका ने भारत के 78वें गणतंत्र दिवस के मौके पर शुभकामनाएं दी हैं और द्विपक्षीय संबंधों की सराहना की है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने भारतीय लोगों के स्वतंत्रता दिवस पर उनके समृद्ध और विविध इतिहास का भी सम्मान किया। भारतीय रेलवे बिहार के लोगों के लिए 16 अगस्त से नई ट्रेन सेवा शुरू करने जा रहा है, जो जमशेदपुर से जयनगर तक चलेगी और 17 स्टेशनों पर रुकेगी। इसमें टाटा, बोकारो, दरभंगा समेत कई प्रमुख स्टेशनों पर ठहराव होगा। भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और बूच विलमोर की पृथ्वी पर वापसी अनिश्चित काल के लिए टल सकती है। नासा ने कहा है कि वे 2025 तक अंतरिक्ष स्टेशन पर रह सकते हैं, जबकि उनके वापस आने की योजना को स्पेसएक्स की उड़ान से आगे बढ़ाने पर विचार चल रहा है। बिहार पुलिस अब बम डिटेक्शन एंड लिफ्टिंग रोबोट से लैस होगी, जिसका मूल्य 4.05 करोड़ रुपए है। ये रोबोट बिहार पुलिस के आतंक निरोधी दस्ता में शामिल किया जाएगा। गृह विभाग ने इस तकनीकी अपग्रेड की मंजूरी दे दी है। आज भारत अपना 78वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है और गूगल ने इस अवसर पर खास मनाने के लिए एक विशेष डूडल लॉन्च किया है। डूडल जिसे चित्रकार वृंदा ज्वेरी ने डिजाइन किया है। गूगल ने इस डूडल के माध्यम से स्वतंत्रता दिवस के जश्न में शामिल होने का अनोखा तरीका अपनाया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना के गांधी मैदान में झंडोत्तोलन करते हुए जेपी गंगा पथ के आरा से मुकामा तक विस्तार और 12 लाख युवाओं को नौकरी देने की घोषणाएं की हैं। वहीं लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव ने भी झंडोत्तोलन किया। तेजस्वी बोले, एक नया विकसित बिहार बनाएंगे। आज भारत 78वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है, वही भारतीय क्रिकेटर गौतम गंभीर ने शुभकामनाएं दी हैं। गौतम गंभीर ने स्वतंत्रता की कीमत की अहमियत पर बल दिया। उनके संदेश ने सोशल मीडिया पर खासा ध्यान आकर्षित किया। वैष्णो देवी यात्रा मार्ग में भूस्खलन होने की सूचना मिली। इस दौरान यात्रा को उक्त मार्ग के लिए बंद कर दिया गया है। वहीं गनीमत रही कि इस दौरान किसी को भी कोई चोट नहीं पहुंची है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के सचिव जैसा के ड्रीम प्रोजेक्ट राष्ट्रीय क्रिकेट एकेडमी का निर्माण पूरा हो गया है और अगले महीने इसका उद्घाटन होगा। एकेडमी में क्रिकेट के अलावे अन्य खेलों के खिलाड़ियों के लिए भी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। आज आज़ादी के 78वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। बिहार विधानमंडल के दोनों सदनों में झंडोत्तोलन किया गया। विधानसभा के अध्यक्ष नंदकिशोर यादव और बिहार विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह ने झंडोत्तोलन किया। भारत की पहली लिथियम खदान छत्तीसगढ़ के कोरोबा जिले के कोटघोरा में खोली जाएगी। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने 250 हेक्टेयर में 10 से 2000 ppm लिथियम की पुष्टि की है। इस खदान की खुदाई का ऐलान 12 अगस्त को नई दिल्ली में नेशनल मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट की मीटिंग में किया गया है। बिहार के डिप्टी सीएम और संस्कृति मंत्री विजय सिन्हा ने अधिकारियों को राज्य के लुप्त हो रही पारंपरिक कलाओं को पुनर्जीवित करने के लिए निर्देश दिए हैं। सिन्हा ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि राज्य के संगीत घराने को पुनर्जीवित करने के साथ कलाकारों का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर पोर्टल बनाए। ICC महिला T20 वर्ल्ड कप 2024 अक्टूबर में बांग्लादेश में होना है, लेकिन मौजूदा अराजकता के कारण बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने BCCI से मेजबानी का प्रस्ताव दिया। BCCI ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। BCCI सचिव जैसा ने इस बात की पुष्टि की है। बिहार कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सह राज्यसभा सांसद डॉक्टर अखिलेश प्रसाद ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि बिहार सीएम नीतीश कुमार के भरोसे नहीं बल्कि भगवान भरोसे चल रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत PMAYU 2.0 की शुरुआत हो गई है। इस योजना के तहत अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ शहरी गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को घर बनाने, खरीदने या किराए पर लेने के लिए सरकारी सहायता मिलेगी। गृह मंत्रालय ने जम्मू कश्मीर में नरेन प्रभात को नए विशेष पुलिस महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया है। उन्हें तुरंत प्रभाव से अपनी ड्यूटी पर तैनात होने के निर्देश जारी किए गए हैं। ये नियुक्ति सुरक्षा व्यवस्था को और सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सायरा बानो ने इंस्टाग्राम पर दिलीप कुमार के देशभक्ति को सम्मानित करते हुए एक वीडियो साझा किया है। सायरा बानो ने बताया कि वो एक अंग्रेजी समाज में पली बढ़ी हैं, लेकिन उनका दिल हमेशा भारत से जुड़ा रहा है।
बिहार की छात्रा चेतना ने अमेरिका के वर्जीनिया विश्वविद्यालय में पीएचडी के लिए दाखिला लेकर एकमात्र भारतीय छात्रा के रूप में मान्यता प्राप्त की है। उन्हें इस उपलब्धि के लिए फुल स्कॉलरशिप मिली है और ये सफलता उनके कठिन परिश्रम, परिवार की मदद और प्रोफेसरों के साथ संवाद का परिणाम है। 16 अगस्त को इसरो के एक महत्वपूर्ण मिशन के तहत बेबी रॉकेट द्वारा EOS-8 अर्थ इमेजिंग सैटेलाइट की लॉन्चिंग करेगा। इस लॉन्च के साथ ही SR-0 नामक स्पेस रिक्शा को भी अंतरिक्ष में भेजा जाएगा, जिसे चेन्नई के स्टार्टअप ने विकसित किया है। बिहार के सरकारी स्कूलों में हेडमास्टर अब पढ़ाई लिखाई पर ध्यान केंद्रित करेंगे, क्योंकि शिक्षा विभाग ने उन्हें मध्याह्न भोजन के कार्यों से मुक्त करने का निर्णय लिया है। अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ ने इस नई व्यवस्था पर काम शुरू कर दिया है। भारतीय स्टेट बैंक ने आज से मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेंडिंग रेट्स में 10 बेसिस पॉइंट्स की वृद्धि की है। ये वृद्धि विभिन्न अवधि के लोन पर लागू होगी। नई दरें 15 अगस्त 2024 से प्रभावी हो गई हैं। बिहार में 20 अगस्त से ग्रामीण क्षेत्रों की जमीन का सर्वे शुरू होगा। नीतीश सरकार ने 177 इंडेक्स के साथ विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराने की योजना बनाई है। बाहर रहने वाले बिहार वासियों के लिए भी विशेष व्यवस्था की गई है। आज पूरा देश स्वतंत्रता दिवस मना रहा है, वहीं पीएम मोदी ने आज लाल किले से देश को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि भारत जल्द ही दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने स्वतंत्रता दिवस पर बिहार वासियों और देशवासियों को बधाई दी और शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। उन्होंने सभी से एकता, भाईचारे और देश के विकास के प्रति सजग रहने की अपील की है। वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी के हालिया नीतीश कुमार के करीबी अशोक चौधरी से मुलाकात और उनके एक्स प्रोफाइल की डीपी में तिरंगा लगाने को लेकर सियासी पर्यवेक्षक उनके एनडीए में शामिल होने की संभावना जता रहे हैं। हालांकि उनकी पार्टी ने स्पष्ट किया है कि डीपी बदलने का मतलब गठबंधन में बदलाव नहीं है। देश में सोने की खपत अप्रैल से घट रही है और जुलाई तक के आंकड़े निराशाजनक है। ऊंची कीमतों के चलते लोगों ने इस धातु से दूरी बनाई है। हालांकि अगले महीने से सोने की मांग बढ़ने की संभावना है। अहमदाबाद मुंबई डबल डेकर ट्रेन गोठा नगाम रेलवे स्टेशन के पास डिरेल हो गई, लेकिन राहत की बात यह है कि कोई भी यात्री घायल नहीं हुआ। प्रारंभिक रिपोर्ट के अनुसार हादसा ट्रेन के कपलर के टूटने से हुआ और रेलवे ने त्वरित कार्रवाई करते हुए स्थिति को नियंत्रित किया। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने आज अपने पुराने स्कूल में ध्वजारोहण समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। उन्होंने कहा कि किसी विद्यार्थी के जीवन का सबसे बड़ा दिन वो होता है जब उसे अपने ही स्कूल में ध्वजारोहण के लिए बुलाया जाए। वेदांता के चेयरमैन अनिल अग्रवाल ने भारत में कोयले के आयात में वृद्धि पर गहरी चिंता जताई है और इसे तुरंत रोकने की मांग की है। उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी नाखुशी जाहिर की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के 78वें स्वतंत्रता दिवस पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की ढेरों शुभकामनाएं दी। आज के लिए बस इतना ही। जिन्होंने हमें कमेंट किया था उनके नाम है नितेश कुमार सिंह, रंजन प्रकाश, संजीव कुमार, कौशलेंद्र कुमार मिश्रा, गुनर शर्मा, साकिर हुसैन। अब बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, घर बनाने के लिए 2.50 लाख रुपए देगी मोदी सरकार, इससे आप कितने खुश हैं? आप अपना जवाब हमें हमारे कॉमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।